हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जैसा कि स्टैटिक जीके का पूरी श्रृंखला चल रही है और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको हम लोग कवर कर लें, वो छूटे ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस देना हो, जीडी देनी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहता है वो। पूरा जो है वनडे से आगे तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं रिलेट करके, जैसे सीधा सीधा सा, ठीक है। तो प्रश्न अब हमारा जो टॉपिक है महान कृत्य और उनके प्रवर्तक या संस्थापक, ठीक है ना, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1916 में किया गया था, ठीक है। और कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और उस समय अभी देखो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल भी रहा था, उसमें स्थापना की गई थी। शांति निकेतन बहुत बार पूछा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था किसने? सियारदास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। चित्रंजन दास सीआर मतलब हंस रही है। ओरविले आश्रम, ओरविले आश्रम 1926, स्वामी ब्रह्मदेव। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, बाहर में इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। उसके उपरांत हम थियोसोफिकल सोसाइटी की बहुत बार चर्चा करते हैं 1875 में, मैडम ब्लास्पोत्स्की एवं कर्नल अलकाट। प्रश्न ये है, ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो है बाहर हुआ था लेकिन भारत में, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट और सॉरी वो तो होम रूल लीग था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी 1984, विलियम जोन्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एशियाटिक सोसाइटी 1984 में विलियम जोन्स। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी चीजें जो हैं, एशियाटिक सोसाइटी हो गया, विलियम जोन्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो एओ ह्यूम, ये तो मतलब हर बार चर्चा होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, है ना, 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन 1897 में अपने गुरु जी के याद में, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। प्रार्थना समाज कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग 1867 में। ये सारे के सारे, अब देखिए स्टैटिक भी है और आपकी हिस्ट्री भी है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867 में। तत्व बोधनी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्व बोधनी सभा। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था, 1932 में ही क्या हुआ था, गांधी सॉरी पूना पैक्ट, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और 1932 में, चूंकि अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा चला करता था, ठीक है ना, तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। फिर गांधी जी ने, ये देखिए, हरिजन, हरिजन नाम दिया, हरि के जन वो लोग जो आज एससी वर्ग में आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के लोग, तो उनको उन्होंने कहा कि ये हरि के जन है, ठीक है। और मुद्दा थोड़ा सा वही था बहस होने का, तो महात्मा गांधी जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, तो बी आर अम्बेडकर है ना, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा शुरू कर दी थी, बहिष्कार कर देना, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे मनुस्मृति इत्यादि है, कैसे कौन सा तो प्रश्न, उसमें देखिए प्रश्न, अब तो दो तरीके से प्रश्न बनता है, वो कह देगा, सिर्फ प्रश्न कह देगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी या हरिजन शब्द की परिकल्पना किसने की थी, ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा। जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, हाँ, कृत्य और प्रवर्तक संस्थापक, तो खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी,
चिपको आंदोलन बहुत बार पूछा गया, 1970 का दशक चल रहा था और सुंदरलाल बहुगुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन आमतौर पे ये संबंधित कहाँ से है? उत्तराखंड से जी। हाँ मतलब वृक्ष सिर्फ कह देगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वृक्ष से या हम कहेंगे पर्यावरण बचाने से, तो पेड़ ही बचाने थे, लोग पेड़ से चिपक जाया करते थे। हाँ महिलाएं बच्चे सभी, तो महिलाएं आमतौर पे कि काटोगे काटने नहीं देंगे है ना। हाँ वास्तव में इसकी संकल्पना बहुत पहले राजस्थान के अंदर किया गया था, लेकिन फिलहाल के लिए आंसर आपको यही ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। आनंद दुग्ध सहकारिता 1946 विजय कुरियन, ठीक है ना, तो आनंद दुग्ध सहकारिता 1946 में किया था उन्होंने, तो कुरियन जी को तो जानते ही जानते हैं है ना। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। खुदाई खिदमतगार बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो अब्दुल गफ्फार खान है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो किससे संबंधित हैं, इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है, लाल कुर्ती से भी संबंधित हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। पहले पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, फिर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कौन करेंगे, मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 1916 में, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार बनता है। ब्रह्म समाज चर्चा हम लोग बहुत बार करते हैं, तो राजा राम मोहन राय 1928, 1929 में सती प्रथा इत्यादि का, हाँ अच्छा 1900 बोल रहा था क्या, चलिए अच्छा। साधारण ब्रह्म समाज अगर रहेगा तो आनंद मोहन बोस, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल है ना, अमेरिका के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, तो बहुत सारे आंदोलन जो है भारत से बाहर स्टार्ट किए जा रहे थे, तो लाला हरदयाल जी। निर्मल हृदय ये जो है मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी, मदर टेरेसा निर्मल हृदय। निष्काम कर्म मठ 1910 धोंडो केशव कर्वे, ठीक है ना, तो निष्काम कर्म मठ मतलब जिसमें ऐसा काम करिए जिसमें आपको कुछ लेने या प्राप्त करने की इच्छा ना हो है ना। फिर हम बात करेंगे सेवा समिति, हृदयनाथ कुंजरू, सोशल सर्विस लीग 1911 में, एन एम जोशी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस 1887, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे उसके बाद रघुनाथ राव। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक, अभी जो है। अब हम बात करेंगे धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव जी करेंगे, सेवा सदन 1885 में ही बीएम मालाबारी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में लोकमान्य तिलक, ठीक है, नामधारी 1857 में बालक सिंह नामधारी, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1870 में केशव चंद्र सेन, ठीक है, बहुत सारे काम केशव चंद्र सेन ने भी किए थे। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग की स्थापना करते हैं शिशिर कुमार घोष जी, ठीक है, 1875 में इंडियन लीग। भारतीय राज्यों के पुराने व परिवर्तित नाम, तो इसको अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है, और कृत्य और इनसे संबंधित चीज़ों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, तो ये पूरा सीरीज चलता रहेगा, आप इसको कंप्लीट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, तो ठीक है, मिलते हैं गुड़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।